अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंख ध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के कुछ उपाय बताएंगे। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण और वस्तुओं में होती है। हमारे ऊपर इन दोनों का खास प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी हर चीज में बाधा डालती है और आगे बढ़ने से रोकती है। दरअसल कई बार घर से जुड़े कई वास्तु दोष भी होते हैं जिन पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। यह नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में अशांति, आर्थिक तंगी, बीमारियां और दुखों को न्योता देती हैं। आमतौर पर घर में नेगेटिव एनर्जी आने की बहुत सारी वजह होती है और पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए एक व्यक्ति को बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। अगर आपके भी घर और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से समस्याएं आ गई हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कुछ आसान से 10 उपाय जो देखते ही देखते आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देंगे। आइए जानते हैं कि क्या है ये उपाय। पानी के सही प्रयोग से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। एक कटोरे में पानी भरें और उसे 4 से 5 मिनट के लिए सूर्य की रोशनी में रख दें। इसके बाद आप जो भी अपने इष्ट देव या देवी को मानते हैं उनका नाम लें और आम या अशोक के पत्ते की मदद से उस पानी को घर के हर कोने में छिड़क दें। आप चाहे तो साधारण पानी की जगह गंगा जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। घर में रोज सुबह और शाम मंदिर में धूप बत्ती जलाएं। इसके लिए आपको ज्यादा धूप जलाने की जरूरत नहीं है। एक धूप बत्ती जलाकर कुछ देर के लिए जो भी आपके इष्ट देव या देवी हैं उनका नाम लें या मंत्र जपें। अगर हो सके तो आप घर में गुगल की धूप जलाकर किसी भी मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में उसे घुमाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। खाने में स्वाद और सेहत को लाभ पहुंचाने के साथ ही नमक घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। घर में नमक का पोछा लगाएं और शाम के समय घर के हर कोने में नमक डालें। उस नमक को दूसरे दिन सुबह घर से बाहर फेंक दें। भगवान के मंदिर की घंटी भी घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। इसके लिए आपको सुबह और शाम के समय मंदिर में भगवान की पूजा करते वक्त कुछ देर के लिए घंटी बजानी चाहिए। इसकी मधुर ध्वनि से मन शांत होता है और घर में खुशियां बिखर जाती हैं। वास्तु शास्त्र में शंख का भी विशेष महत्व है। शंख की ध्वनि को भी नकारात्मक ऊर्जा का अंत करने के लिए उत्तम माना गया है। कहते हैं कि शंख में पानी भरकर घर में छिड़कें। साथ ही शंख को केवल मंदिर में ही रखना चाहिए क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि आपके घर में भी आर्थिक परेशानी चल रही है तो शंख को घर में रखने मात्र से ही वह कम होने लगेगी। किसी भी ऐसे घर में रहने जा रहे हैं जहां पहले कोई रहता था तो वहां रहने से पहले घर की सफाई करवाएं और वहां रहने से पहले कपूर जला कर रख दें। ऐसा करने से यदि उस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह खत्म हो जाएगी। घर की खिड़कियां भी वास्तु शास्त्र में महत्व रखती हैं। आपको अपने घर की खिड़कियों को रोज सुबह शाम कम से कम 20 मिनट के लिए जरूर खोलना चाहिए। इससे यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में होगी तो वह बाहर निकल जाएगी। घर में रोज सुबह शाम भगवान के मंदिर में घी का दिया अवश्य जलाकर रखें। इससे आपके जीवन में प्रकाश तो फैलता ही है और साथ ही साथ दीपक की रोशनी आपके अंदर सकारात्मक सोच को उत्पन्न करती है। साथ ही यह राहु केतु ग्रह को भी शांत करता है और इससे आपके जीवन में मची उथल पुथल शांत हो जाती है। यदि आप घर में मंदिर में देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हैं तो उसे सुबह चढ़ाने के बाद शाम को और शाम को चढ़ाने के बाद रात में हटा देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। खासतौर पर जंग लगे उपकरणों को घर में बिल्कुल ना रहने दें। अपने स्टोर रूम को भी व्यवस्थित रखें और जैसे घर के हर कोने की सफाई करते हैं वैसे ही स्टोर रूम की भी सफाई करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए अगर आप इन 10 उपायों को अपनाएंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले सप्ताह किसी नई जानकारी के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।